अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अच्छा, सीन इस तरह से है, कुछ ऐसा पहले मेरी फेसबुक पे बात हुई पाकिस्तानी लड़के से, तो वो लड़का मेरे सिटी का निकला, तो वो भी बीजिंग में होता है, यहाँ पे स्टडी कर रहा है। फेसबुक पे ही हमने अपना वी चैट वगैरह एक्सचेंज किए एक दूसरे के साथ, तो वी चैट पर हमारी बात वगैरह हुई, तो वो मुझसे इतना ज़्यादा दूर नहीं है, तो आज फिर प्रोग्राम बनाया हुआ है मिलने का, क्योंकि अभी चाइनीज़ की वेकेशन वगैरह चल रही हैं, इनकी 7 7 तक होंगी, तो 8 से काम स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए अभी टाइम भी है, उसके पास भी टाइम है, मेरे पास भी है, तो मैंने कहा चलो मिल लेते हैं। अच्छा यार, मसला ये हो गया था, मैं जब बाहर निकला तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मौसम कैसा होगा, मैंने चेक नहीं किया, तो बाहर जैसे ही निकला तो मैंने ये जैकेट नहीं ली हुई थी, सिर्फ अंदर से ये शर्ट पहनी हुई थी, तो बाहर जैसे ही निकला तो बहुत तेज़ ठंड थी यहाँ। फिर मुझे वापस जाना पड़ा रूम, वापस रूम जाके फिर मैं ये जैकेट निकाली, जैकेट पहन के फिर अभी बाहर निकला हूँ। आज यार ठंड है बहुत, जा रहा हूँ यार, अभी बस ली हूँ मैं, सबवे की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा यार, बस में याद आया, यहाँ पे इनकी एपीपी है, एप्लीकेशन है, तो उसमें कार्ड वगैरह लिंक होता है, तो यहाँ पे बस वही स्कैन करना पड़ता है QR को, तो पेमेंट हो जाती है यहाँ पे बस में। तो लास्ट टाइम मेरे साथ ये हुआ कि मैं मतलब यहाँ पे दो जगहों पे स्कैन करना पड़ता है कोड, तो पहले जब बस में एंटर होते हैं उस वक्त कोड स्कैन करें, उसके बाद जब जहाँ पे आप उतरेंगे तो वहाँ पे स्कैन करना है, तो वो फिर ना डिस्टेंस के लिहाज से आपके पैसे कटेंगे, वरना अगर आप नहीं उतरते हुए नहीं करते स्कैन तो आपके पैसे ज़्यादा कट जाते हैं। तो लास्ट टाइम मैं उतरते हुए मैं भूल गया स्कैन करना कोड, तो ये मेरे साथ हुआ था। अभी मैं जा रहा हूँ, अभी बस में हूँ, तो अभी बस आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा सर्विस स्टेशन, तो उसके बाद फिर निकलता हूँ आगे। इस लाइन से जाते हैं, ये 10 नंबर लाइन पे जाना है, ये 10 नंबर लाइन, यहाँ पे ट्रांसफर होंगे फिर हम आगे जाएंगे। ये पूरा बीजिंग मैप, यहाँ पे हैं, यहाँ से उतरे हुए हम लोग जाएंगे, यहाँ यहाँ से ट्रांसफर मारेंगे, ट्रांसफर मार के हम लोगों ने जाना है यहाँ। बुजुर्ग हो गए, कोई मजदूर है या प्रेग्नेंट है या कोई बच्चे के साथ है, तो ये तो येलो सीट्स जो हैं ये रिजर्व होते हैं लोगों के लिए।
ये भाई ले आए हैं, इनकी यूनिवर्सिटी के सामने ही है मुस्लिम रेस्टोरेंट। थैंक्स यार, बहुत भूख लगी हुई थी। पहुंच गए हैं जी पार्क में, बीजिंग फॉरेस्ट पार्क। अभी आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा है। ये जी ये भाई लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। एमरजेंसी। अच्छा जी, आपके पास हेलीकॉप्टर आएगा अगर एमरजेंसी हो गई तो? हाँ, हेलीकॉप्टर आएगा रेस्क्यू करने के लिए। ऐसा कुछ है। हाँ ना, वही है ना, ये लिखा हुआ है एयरफील्ड। एयरफील्ड वॉक करो यार, सुबह तो ठंड थी बहुत ज़्यादा। बच्चे हैं यार, हम भी छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी तरह। ये होते बच्चे हैं, बच्चे बड़े क्यूट लगते हैं इनके, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो देखने का दिल नहीं करता इनको। ऐसे ही है वैसे, इनके बच्चे क्यूट हैं। बच्चे क्यूट हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं फिर चंद एक क्यूट रह जाते हैं। कैंगरू झूला, कैंगरू उधर बाबा। देखने वाला काम करना है, बस देखने वाला, देख देख के पैसे पूरे करने। पैसे हमने दिए कौन से हैं जो पूरे करने? नहीं, वो फिर हमें मिल जाएंगे ना। इसे कोई इस्तेमाल कर लो यार, इन्होंने सही शुगर लगाया हुआ है। हाँ, ये फेंक, निकल निकल निकल। तरसा तरसा के खाना दे रहे हैं। सूरज गलत जगह पे, सूरज गलत जगह पे, हम गलत जगह पे। सूर्य यहाँ से सीधा पड़ता है। अच्छा यार, दिन में आ गए हम लोग, लेकिन यहाँ पे अभी धूप बहुत ज्यादा है।
जिस साइड से भी तस्वीर ले रहे हैं अजीब सी अच्छी नहीं आ रही, अजीब सी रिफ्लेक्शन आ रही है क्योंकि समझ नहीं आ रही ये भी सूरज के एंगल किस तरफ है तो ऊपर ही लेकिन सही नहीं आ रही। छांव में काले काले नजर आ रहे हैं, धूप में आंख नहीं खुल रही, अलग कौन से गोरे हैं लेकिन काले हैं लेकिन ठंड हो गया बहुत ज्यादा रश है यहाँ पे। लेकिन अंदर नहीं जा रहे, अंदर जाने के लिए टिकट चाहिए और पैसे फिलहाल नहीं है हाँ पैसे फिलहाल नहीं है हमारे पास तगा नहीं हाँ तगा ये अभी शाम हो रही है, शाम का टाइम है। चेक कर सकते हैं यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं है, सारे चीने हैं, कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, कोई बंदा नहीं है, सारे चीने नहीं यार अच्छे बंदे हैं यार, क्या हो गया मजाक कर। ये वाली बिल्डिंग तो आप लोगों ने काफ़ी बार देखी होगी न्यूज़ में या टीवी वगैरह पे मूवीज वगैरह में, तो ये भाई यहाँ पे है, ये आपको दिखा दी। और कोई हुक्म अंदर कुछ नहीं है यार, अंदर इसके ये जो ग्राउंड है ओलंपिक स्टेडियम, बस चेयर्स वगैरह हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं और 100 युआन टिकट है, 100 युआन 120 युआन टिकट है कोई फायदा नहीं अंदर जाके तो तस्वीर लेंगे ना, वो इससे बेहतर नहीं आएगी जो अब तस्वीर सही आ रही है। बिल्कुल एग्जैक्ट यार वो ओपन है, चेक करते हैं वो अगर अंदर जाने देते हैं, मतलब कि टिकट कितने का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 50 से कम का होगा तो चलते हैं, 50 से ज़्यादा होगा नहीं जाते बीजिंग पहुँचे की होगा, लेट भी हो गए हैं तो जाना है हमने। अच्छा यार वापसी की तैयारी है, मैं कह रहा हूँ सबवे से जाते हैं, भाई कह रहे हैं बस से जाते हैं, सबवे दूर है, बस का पता नहीं है बस मैं चेक कर रहा हूँ, चेक करो भाई कहाँ पे वापसी की तैयारी है भाई, फिर आऊँगा फिर मैं आप लोगों को ये अंदर के नज़ारे भी कराऊँगा, ठीक है ये अंदर के नज़ारे भी कराऊँगा, बहुत प्यारी जगह। भाई मेरा चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। लाइक भी करें वीडियो को, शेयर भी करें, खुदा हाफिज़। अभी नहीं करना खत्म मिलते हैं थोड़ी देर बाद बस स्टॉप पे। अच्छा जी आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म, फिर अभी बाइक को बाय बाय कहना है उसके बाद फिर बंद करते हैं जी। सही है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। ठीक है जी, ये जनाब जी अभी अपनी साइड पे चले जाएंगे, मैं अपनी साइड पे चला जाऊंगा, उसके बाद फिर दोबारा क्योंकि अभी डिनर के टाइम नहीं बचा,
भाई ने 8 बजे तक वापस पहुंचना है, तो अभी टाइम बहुत कम रह गया है। ये मेरा मसला है, तो इसीलिए फिर कभी डिनर फिर कभी कर लेंगे। चाइना में सिर्फ मज़े नहीं होते, कुछ मसले भी होते हैं। यहाँ पे रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं। यूनिवर्सिटी अगर अलाउ नहीं करती तो फिर आपको वापस जाना पड़ता है। हाँ जी, ठीक है जी, मिलते हैं फिर।